नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। भारत द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और तकनीकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के विकास इंजन के रूप में उभरेगा। दक्षिण अफ्रीका में के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसरो द्वारा 14 जुलाई को लॉन्च चंद्रयान 3 बुधवार शाम को अपने अंजाम तक पहुंचने जा रहा है। इसको लेकर देश दुनिया के करोड़ों भारतीय उत्साहित हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो भी तैयार है। उसने लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। इसे कोई भी अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन पर देख सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में भारत का दौरा करेंगे। बाइडेन 7 से लेकर 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। बाइडेन G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे जो 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होना है। इस दौरान वे जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन युद्ध के प्रभाव और वर्ल्ड बैंक समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को राखी भेजी है। सीमा ने ये राखियां 22 अगस्त की दोपहर नोएडा के रबुपुरा पोस्ट ऑफिस से पोस्ट की। महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार अपनी सरकार के मंत्री से नाराज हो गए हैं। इस नाराजगी की वजह है नीतीश के अटल प्रेम पर तेज प्रताप का हमला। अटल पार्क का चुपके से नाम बदलने की तैयारी थी जिसे रद्द कर दिया गया है। भारत और आयरलैंड के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच बुधवार को खेला जाने वाला है। डबलिन के दी विलेज ग्राउंड में आयोजित मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम को होगी। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारत पहले ही सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुका है। शुरुआती गेम को किसी तरह 2 रनों से जीतने के बाद मैन इन ब्लू ने रविवार को दूसरे गेम में जोरदार प्रदर्शन किया और 33 रनों से जीत हासिल की। कोविड-19 का नया वेरिएंट BA.286 परोला कई देशों में फैल चुका है। इसको लेकर एक्सपर्ट ने चिंताएं जाहिर की है और बताया है कि यह वेरिएंट नई लहर का भी कारण बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।